धोखाधड़ी का मामला। सहारा इंडिया की निवेशकों ने कहा, जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। सहारा इंडिया कंपनी के निवेशकों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निवेशकों का कहना है कि उनके माध्यम से केसीजी, एमएमसी और राजनांदगांव जिले के करीब 1.5 लाख लोगों का 500 करोड़ रुपए सहारा इंडिया कंपनी में निवेश कराया गया था, जो आज तक वापस नहीं मिला है। राज्य सरकार चिट फंड कंपनियों से पीड़ितों को न्याय दिलाने का ढिंढोरा पीट रही है। गुरुवार को एक प्रेस वार्ता लेकर निवेशकों ने इसकी जानकारी देते हुए सहारा इंडिया कंपनी में डूबी राशि वापस दिलाने की मांग की है। सहारा इंडिया कंपनी के निवेशक पूना राम सिन्हा एवं अनमोल इंडिया के निवेशक दिनेश सिन्हा ने कहा, जब तक सहारा इंडिया सहित अन्य चिट फंड कंपनी में डूबी राशि का भुगतान नहीं होगा तब तक वे मतदान नहीं करेंगे। आगामी चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। पहले उन्होंने शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, फिर प्रदर्शन किया। इसके बाद सहारा इंडिया की सहयोगी कंपनी के 4 डायरेक्टरों के खिलाफ कोतवाली FIR कराया। पुलिस ने उत्तर प्रदेश से उनकी गिरफ्तारी की एवं कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा था। पहले उन्होंने शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, फिर प्रदर्शन किया। इसके बाद सहारा इंडिया की सहयोगी कंपनी के 4 डायरेक्टरों के खिलाफ कोतवाली FIR कराया गया। पुलिस ने उत्तर प्रदेश से उनकी गिरफ्तारी की एवं कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया था। करीब 6 दिन बाद कोर्ट ने जिले के निवेशकों को 15 करोड़ रुपए लौटाने की शर्त पर जमानत दी थी। करीब 5 करोड़ प्रशासन के खाते में RTGS किया गया। वहीं 10 करोड़ रुपए का चेक बाउंस हो गया। इसके बाद किस्तों में दी गई रकम 4 करोड़ मिलाकर कुल 9 करोड़ रुपए निवेशकों को बांटे गए, जबकि 6 करोड़ बकाया है। साथ ही चेक बाउंस के मामले में कार्रवाई नहीं की गई। खोला मोर्चा, अब रुपए लौटाने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी। कमीशन लेकर सौदेबाजी कर रहे कंपनी के बिचौलिए निवेशकों ने बताया कि ग्राम भेंडरी कला निवासी एक व्यक्ति से चिंत फंड कंपनी के अन्य बिचौलिए कंपनी में जमा रकम में 35% की वापसी एवं खुद को 15% कमीशन देने की शर्त पर सौदेबाजी कर रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से कुछ लोगों की राशि का भुगतान भी हुआ है। जिले में करीब 45 चिट फंड कंपनी चल रही हैं, जिसमें लोगों के 300 करोड़ निवेश किए गए हैं। गांव-गांव में पंडाल लगाकर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। निवेशकों ने कहा कि प्रदेश में ही 15,000 करोड़ सहारा सहित अन्य चिट फंड कंपनियों में जमा है। कुछ लोगों की मामूली राशि वापस कर राज्य सरकार वाहवाही लूट कर जनता को धोखा दे रही है। कंपनी के डायरेक्टर आजाद घूम रहे हैं, लोगों को पैसा नहीं लौटाया गया। अब निवेशक गांव में चुनाव बहिष्कार करेंगे। प्रेस वार्ता में मुकेश देवांगन, नीलमणि साहू, ज्योति देवांगन, देवी साहू मौजूद थे।